बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पीयूष भाई से तो, पीयूष भाई एक ऐसे इंसान है ना, क्या करता है ये करता है, हमेशा जाएगी स्टेज पर ऐसे जैसे पेंगुइन चल के जाती है ना, बिना किसी टेंशन के। मैं मारता हूँ लोगों को, मारता है इधर, कोई इसको नहीं मारता है। पीयूष भैया के बारे में मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो मेरे रूममेट, अब पिट जाऊंगा मैं। ये चपट 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 पूरे टाइम चप 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 चप। और बैभव से तो नखरे सीखना पड़ता है मुझे बहुत। ये कुछ नहीं करती है, मुझसे आगे लड़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद पलट के आएगी, क्योंकि वैभव मेरा बच्चा शॉली ऐसे करके पकड़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद लड़ेगी, फिर चली जाएगी। मेरे लिए पर्सनली जर्नी बहुत स्पेशल रही है, ऑडिशन से लेके अभी तक हर जो एपिसोड में जो भी गेस्ट आए उनके सामने गाना, उनके गाने को सेलिब्रेट करना, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे, सबको मिल रहा है। और ये जर्नी रीलिव करने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, जो मैं बचपन में मुझे किया था, थोड़े थोड़े ऐसे फेडेड मेमोरीज है मुझे, तो अभी प्रॉपरली रीलिव कर रही हूँ मैं ये पूरे सीज़न को, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं अभी इंडियन आइडल में आई हूँ और इंडियन आइडल मुझे इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। आइडल में आने के लिए बहुत मेहनत किया था, जैसे कि अभी मुझे याद आ रहा है कि किस तरीके से हमने घर में बैठ कर लिस्ट बनाए थे, किस तरीके से हमने रियाज शुरू किया था आइडल में आने के लिए। और जब मैं ऑडिशन में आई हूँ, ऑडिशन से लेकर आज तक हर रोज़ हर दिन एक ना एक प्रोग्राम के दिन एक ना एक मोमेंट हो ही जाता है मेरे साथ, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि श्रेया मैम, सानू सर, विशाल सर के सामने गाना गाना, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी हम ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो हर कंटेस्टेंट के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। मतलब सालों का रियाज यहाँ पे आके सफल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडिशन हम लोग दिए थे, बहुत, मैं तो बेसिकली स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑडिशंस दी थी 10 साल, उसके बाद मैं आके इंडियन आइडल पे सिलेक्ट हो पाई, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और हर रोज़ हम लोगों को मतलब बहुत सारे चीज़ क्रैक करने को करने का मौका मिलता है गाने के बारे में, जैसे कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के अलग अलग जॉनर होते हैं, तो उसमें उससे निकल के कोई दूसरे जॉनर पे गाना गाना, ये चीज़ हम लोगों को करनी पड़ती है, तो ये हम लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। एंड स्पेशली जो गेस्ट आते हैं उन लोगों के सामने उनका गाना गाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं सबकी बता देता हूँ एक एक करके। पीयूष भैया तो पीयूष भैया मेरे रूममेट है पहली बात, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अपना उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड होता है, तो कुछ बुरा हो मेरे साथ मैं नहीं चाहता हूँ। मेनुका के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, मैं पीयूष भैया के बारे में, ठीक है, मेनुका मुझे बचाएगी, सो मैं पीयूष भैया की एक अनोइंग मतलब ऐसी चीज़ बताता हूँ। अनोइंग क्या है, मतलब वो अच्छे हैं बहुत, लेकिन वही है, वो जहाँ पर भी खड़े होंगे एकदम सीधे, तो वो बोल सिर्फ उनके एक सबसे पहला हर वक्त यही शब्द होता है, बिल्कुल यस, ऑफ कोर्स, करेक्ट जी, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही करते रहते हैं पीयूष भैया, और कमाल है, मतलब इनके बारे में तो क्या कहा जाए, मतलब वाह, ये जो हंस रहे हैं ना, इसके पीछे अभी भी गुस्सा है इनके थोड़ा, तो ये भी थोड़ा तो अंजना दीदी के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मारती है मुझे, बहुत ज़्यादा बहुत मारती हैं ये मुझे, मैं मारता हूँ लोगों को, मारता है इधर, कोई इसको नहीं मारता है, मैं बहुत छोटा हूँ इन सबसे, मैं सबसे ज़्यादा छोटा हूँ, ये भी मुझसे बड़ी है, ये भी मुझसे बड़ी है, ये भी मुझसे, ये भी भैया भी बोल, 8 महीने छोटा हूँ मैं, लेकिन छोटा तो हूँ ना, तो अब मारता नहीं हूँ मैं, तुम लोग मारते हो मुझे यार, ऐसा बोलो, छोटे बच्चे को मारते हो तुम लोग ऐसे, तो आई मीन अनोइंग हैबिट्स तो मैं नहीं कहूँगी, सबका मतलब वैसे फन वाला ही है जो हम लोग मस्ती में करते हैं, ऐसा कुछ अनोइंग ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो यही है कि बहुत बातें करता है, उफ, इसकी एनर्जी इतनी हाई रहती है हमेशा कि वो इतना तो कभी कभी ऐसा लगता है वैभव वैभव शांत शांत, तो वो पीयूष भैया एकदम ऑपोजिट, पूरे शांत रहते हैं, तो इनको वो एनर्जी लेके आने में, और अनन्या तो अनन्या ऐसा अनोइंग तो मुझे नहीं लगता कुछ है,
मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। चिंता मत करो, तो गलत बताया बेटा तुमने, बहुत गलत। इसने जो भी अभी आप सबको बताया वो सब थोड़ा सा आप पेरेस कर दो, क्योंकि वो नहीं है सच। हम मेनुका के बारे में कुछ नहीं है, मेनुका के मैं तो बेचारी हूँ ना। नहीं बेचारी तो नहीं है, बट ये सही में अनोइंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मेनुका तो अपनी रॉक स्टार है। पीयूष भैया से तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सीखा है इन टर्म्स ऑफ इनकी तैयारी एज एन आर्टिस्ट, इनकी गायकी की जो स्ट्रेंथ है, वो जब भी कुछ गाते हैं बहुत बहुत ट्रेंड हैं, और उनको वो बहुत काम और शांत रहने की वजह से वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। वो मैंने बहुत सीखा है इनसे। वैभव की कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी है, वो जब भी स्टेज पर रहता है तो ऐसा लगता है कि यू नो ही इज़ गोइंग टू किल इट टुडे, यू नो वो एक एनर्जी आती है उससे जो बहुत अच्छी एनर्जी होती है। मेनुका को ऐसे देखे ऐसे सुन के लगता है कि ये कैसे गा लेती है ऐसे, मतलब इतना सुंदर, इतना परफेक्ट, जैसे रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं किसी गाने का वैसे गाती है। तो वो एक परफेक्शनिस्ट जो मेनुका के अंदर है वो बहुत अच्छा लगता है। और अनन्या की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि ये इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, शी इज़ जस्ट फोकस्ड विथ हर सॉन्ग, जाती है। एक बहुत ब्यूटिफुल आवाज़ है इनकी, बहुत इतनी शार्प आवाज़ है, इतनी ब्यूटिफुल आवाज़ है, सीधा दिल पे लगता है अनन्या की आवाज़। जब भी अनन्या गाती है तो ऐसा ही गूज़बम्स क्रिएट होता है कि वाओ, वो वाली जो फैक्टर है, तो सब में वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो लेती हूँ सबसे। तो मैंने तो यहाँ सबसे सीखा है, और मैं मेरी ये जो जर्नी है, मतलब मैं आया हूँ तो मेरे वो नहीं है कि मतलब मुझे ये करना है वो करना है, सब करना तो है ही, लेकिन मैं एट द एंड यहाँ पर सबसे सीखने आया हूँ, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग दे मतलब शहरों से लोग आए हैं। तो जैसे पीयूष भैया हैं तो उनसे मैं कभी कभी गज़ल सीखता हूँ, तो जब रूम पे गाते हैं गज़ल तो उनसे गज़ल मैं थोड़ा सीख रहा हूँ इस समय। और अंजना दीदी से मैं थोड़ा वोकल ट्रेनिंग, जो चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस और कैसे यूज़ करते हैं उसे, सो ताकि मतलब ये बहुत रेंज चली जाती है इनकी और बहुत ईजिली बहुत टच हो जाता है। तो मतलब मैं इनसे थोड़ा वेस्टर्न सीख रहा हूँ अंजना दीदी से, और मेनुका से तो मैं थोड़ा मीठा गाना सीख रहा हूँ बस थोड़ा। वो जैसे गाती है ना एकदम परफेक्ट पिच, एकदम रिकॉर्डिंग चल रही है। और अनन्या तो है ही, मतलब उससे तो मैं सीखता ही रहता हूँ कि उसका थोड़ा जैसा कॉन्फिडेंस रहता है, हमेशा जाएगी स्टेज पर ऐसे जैसे पेंगुइन चल के जाती है ना बिना किसी टेंशन के। अच्छी बात बोली है कि बेइज्जती, बेइज्जती नहीं करी है मैंने, अच्छी बात बोली है। वो अच्छे से चल के जाती है और एकदम स्माइल करते हुए स्टार्ट करती है, और एकदम फुल कॉन्फिडेंस से गाना स्टार्ट करती है, और एकदम ऐसा लगता है उस जब खत्म करती है वो गाना तो ऐसा लगता है मैंने कोई गलती की नहीं है, और सच में नहीं करती है। तो उससे मैंने ऐसा सीखा है कि परफेक्ट परफॉर्म करना, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा ही है जो यहाँ पे और भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं। पीयूष जैसे वैभव बोलता है ना कि गज़ल बहुत अच्छा गाता है, जब इसके साथ मैं बैठती हूँ तो मैं सबसे पहले इनको बोलती हूँ कि मेरे को ये गज़ल सिखा, वो गज़ल सिखा। कभी कभी तो मुझे मेरे को ये हिंदी भी बोलना सिखाता है ठीक से। और सबसे आर्टिस्ट यहाँ पे सेलिब्रिटी लोग आते रहते हैं, लेकिन हमको कंटेस्टेंट से ही सीखने को मिलता है। और अनन्या इतना परफेक्ट गाती है, इतना परफेक्ट गाती है कि कैसे ये गा रही है, इसको सुन सुन के लगता है कि सच में अंजना जो बोल रही थी कि सच में दिल में लगता है। और वैभव से तो नखरे सीखना पड़ता है मुझे बहुत। नहीं, इसके सिंगिंग में जो नखरा है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये हाँ हूँ करना, मेरे को भी सिखा दो। नहीं, मुझे यही सबसे बड़ी बेस्ट इसका लगता है कि जो गाना आ गया इसके सामने कि बोलता है कि मेरे साथ अगर फाइट करना है ना तो आ जाओ फाइट करो, ऐसा लगता है। अंजना की सिंगिंग भी ऐसा ही है, जब ये वेस्टर्न गाना गाती है कहाँ से इसका पावर आता है। इतना आप अगर इसकी बोलने की जो क्वालिटी है वो सुनेंगे तो एकदम शांति जैसा लगता है। जब ये गाती है ना तो लगता है कि कोई एकदम वो आ गया लड़ाई करने के लिए, मैदान में उतर गया है कुछ। तो इन लोगों का सबका कॉन्फिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वही अचीव करती हूँ। पीयूष भाई से तो, पीयूष भाई एक ऐसे इंसान है ना, क्या करता है ये करता है। पीयूष भाई सबको समान रिस्पेक्ट देते हैं, सबको, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं।
और ये मतलब बहुत अच्छा इंसान है सबसे पहले. गाना तो मतलब पीयूष भाई को हर गाना याद है, मतलब जो जो भी गाना हम लोगों को मिलता है पीयूष भाई से पहले पीयूष भाई उसको गुनगुनाते थे, तो उसको मतलब सब गाने पीयूष भाई को पता है, कुछ 50,000 हाँ यही है. और मेनुका तो देवी है हमारी, सच में मेनुका से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं मेनुका से. ये मतलब हम लोग जब गाते हैं हम लोगों की थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से हम लोगों के सुर भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके सुर भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं, मतलब ये रिकॉर्डिंग चलती है. अंजना से वेस्टर्न, मतलब वो वेस्टर्न भी एंड क्लासिक भी सब कुछ, मतलब उसकी वर्सेटिलिटी. सुनिधि चौहान यस, और मतलब उसकी सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो जब कर्नाटिक म्यूज़िक करती है ना, जो कर्नाटिक म्यूज़िक की जो बेस है प्रॉपर है इसमें, प्रॉपर एकदम. और तेरे से कैसे था बचपना, मतलब जो चीज़ हम लोगों के लोगों में से सब मतलब हट गया, वो बचपना हम लोगों में से नहीं है, बहुत कम है. ये जब मस्ती करता है ना, मतलब ये बच्चा है एकदम, छोटा बच्चा है, हम लोगों के भाई है, ये जब मस्ती करता है अब मार पड़ेगी मुझे. क्या गाऊं बताओ, उसने फर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक लिया था. पूछो जरा ओके हाँ वो गाओ. पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है. रजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है. थैंक यू. ओके सो ये गजल है जो मैंने गाई थी. गम कहाँ कम हुआ है पीने से, गम कहाँ कम हुआ है पीने से, गम का मातम हुआ है पीने से, गम का मातम हुआ है पीने से, गम कहाँ कम हुआ है पीने से. मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं. कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, ना रोको आज धोनी दो चरण आँखों के पानी से. बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए. Thank you so much. Thank you so much.